हेलो गाइस, आज से मैं एक नए कोरियन ड्रामे का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने वाली हूँ जो कि हाल ही में रिलीज हुआ है। इस ड्रामे का नाम है द गुड बैड मदर। इस वीडियो में मैं आपको फर्स्ट एपिसोड एक्सप्लेन करूंगी। इस सीरीज के शुरुआत में हम एक छोटे से पिगी को देखते हैं जो दौड़ता हुआ एक घर से निकल जाता है। खेलते खेलते वो काफी दूर चला गया था। तभी हम एक हेसिक नाम के आदमी को देखते हैं जो कि उस पिगी को ढूंढता हुआ आ जाता है। अगले सीन में हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम था यंगसून। वो एक स्टोर के लिए डिलीवरी वाले का काम करती थी। वो लेडी बहुत ही हसमुख नेचर की थी। वो अक्सर एक पोल्ट्री फार्म के लिए डिलीवरी वाला सामान लेकर जाती थी। अगर सामने वाले के पास पैसे नहीं भी होते थे तो भी वो बिना पैसे अपना सामान डिलीवर कर देती थी। इन शॉर्ट वो बहुत ही मददगार किस्म की लेडी थी। डिलीवरी करके जब वो अपने स्टोर पर आती है तब वहाँ पर हम वही आदमी हेसिक को देखते हैं जिसको हमने पहले भी देखा था। वो एक पिगी को अच्छे से तैयार करके अपने साथ लाया था। यंगसुन और हेसिक एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। हेसिक उसे शादी के लिए प्रपोज करने आया था। उसने उस पिगी के गले में एक अंगूठी बांध रखी थी। उस पिगी को वो यंगसुन की तरफ भेजता है लेकिन उसी समय स्टोर का मालिक आकर दरवाजा खोल देता है। इस वजह से वो पिगी वहाँ से भागने लग जाता है। यंगसुन और हेसिक उसके पीछे भागते हैं और दोनों को काफी भगाने के बाद वो पिगी पकड़ में आता है। हेसिक फिर पूरे गांव के सामने यंगसुन को शादी के लिए प्रपोज करता है। सीन शिफ्ट होता है कुछ समय बाद जहाँ यंगसुन और हेसिक की शादी हो चुकी थी और उन्हें बेबी भी होने वाला था जिसके लिए हेसिक बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। और वो अपने दोस्त को बता रहा था कि उसने अपने बेबी के लिए कितने सारे नाम सोच कर रखे हैं और साथ ही में बहुत सारे प्लान भी बनाए हैं। यंगसुन और हेसिक साथ में बहुत खुश थे। उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। हेसिक अपनी बीवी की बहुत केयर करता था। वो उसे कोई भी काम तक करने नहीं देता था। हेसिक का एक पिग फार्म था जिसमें बहुत सारे पिग्स को पाल रखा था। वहां पर एक पिग थी जो कि प्रेग्नेंट थी। उसकी तबीयत थोड़ी खराब थी इसलिए वो थोड़ा परेशान होता है। तो यंगसुन कहती है कि हमें उस पिग को बाकी पिग से थोड़ा अलग रखना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि उनके गांव का एक आदमी उनके घर आता है और बताता है कि सियोल ओलंपिक्स के लिए जो रैली निकलने वाली है वो उनके गांव को क्रॉस करता हुआ जाएगी, बल्कि इस फार्म के पास जो रोड है ये वहीं से होता हुआ जाने वाला है। यहाँ पर वो आदमी उसे कुछ बैनर और फ्लैग बनाने के लिए बोलता है जिस पर यंगसुन मान जाती है। वो फ्लैग्स और बैनर बनाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। हालांकि हेसिक उसे कोई भी काम करने नहीं देता था क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। वो उस पे किसी भी तरह का स्ट्रेस पड़ने नहीं देता था। अगले सीन में हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन कंपनी के कुछ लोग हेसिक से आकर मिलते हैं और उसके फार्म को हटाने की बात करते हैं, ये कहकर कि ओलंपिक्स रैली अगर इस जगह से गुजरेगा तो टीवी में पिग फार्म्स और पिग को देखकर लोग क्या सोचेंगे। तब यंगसुन भी बाहर निकलती है। हेसिक यहाँ पर सारे लोगों से जाने के लिए कहता है तो वो लोग उसके साथ मारपीट करने लग जाते हैं। तभी उनका बॉस कार से बाहर निकलकर अपने लोगों को रोकता है। वो हेसिक को उस फार्म को हटाने के लिए कहता है। हेसिक कहता है कि ये फार्म उसकी फैमिली में कई जनरेशन से है। ओलंपिक्स में ये फार्म कुछ 20 सेकंड तक ही दिखेगा, उसके लिए मैं ये पूरा फार्म नहीं हटा सकता। कंस्ट्रक्शन वाले लोग इस बात पे बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो लोग रात में आकर उस फार्म में आग लगा देते हैं। लोगों की भीड़ लग जाती है तो शोर सुनकर यंगसुन और हेसिक उठ जाते हैं। उठकर वो देखते हैं कि उनकी फार्म में आग लग गई है। हेसिक बहुत दुखी हो जाता है और अंदर जाने की कोशिश करता है। कहता है अंदर सारे पिग्स मारे जाएंगे, उन्हें बचाना जरूरी है, लेकिन यंगसुन उसे अंदर जाने नहीं देती। गांव के कुछ लोग बताते हैं कि उन लोगों ने उस कंस्ट्रक्शन कंपनी वाले लोगों को फार्म के आसपास देखा था। यंगसुन को वहां पर से एक महंगे ब्रांड का सिगरेट भी मिलता है जो उस कंपनी के बॉस का था। हेसिक उन कंपनी वालों पर केस कर देता है कि इन लोगों ने हमारे फार्म में आग लगाई है। ट्रायल के टाइम पर जब प्रोसिक्यूटर इस सिगरेट के बारे में पूछता है तब वो आदमी कहता है कि वो इस ब्रांड का सिगरेट पीता तो है पर उसने गांव के कुछ और लोगों को ये सिगरेट पीते हुए देखा है, तो ये तो किसी का भी हो सकता है। हेसिक ये केस हार चुका था क्योंकि उस कंपनी वालों ने सारे विटनेस को भी खरीद लिया था। सारे लोग ये बोलने लग जाते हैं कि उन लोगों ने उस रात कुछ भी नहीं देखा। ऊपर से लोग ये भी बोलने लगते हैं कि उस फार्म में कुछ पेंट थिनर्स रखे हुए थे और इसी वजह से वहां पर आग लग गई। यहां तक कि हेसिक का दोस्त भी उसके खिलाफ गवाही देता है। जिसको वो दोस्त मानता था उसने तक उसे धोखा दे दिया था। इसीलिए अगले दिन हेसिक अपने दोस्त को जाकर पूछता है कि तुमने मेरे खिलाफ गवाही क्यों दी। तब उसका दोस्त बताता है कि उसे पैसों की जरूरत थी क्योंकि उसकी माँ बीमार है। ऊपर से उसकी बेटी को मारने की धमकी उसे दी गई थी इसीलिए उसने कोर्ट में झूठ कहा। हेसिक सारी बातों को रिकॉर्ड करके प्रूफ बना लेता है और सोचता है कि वो उस कंस्ट्रक्शन वाले आदमी के अगेंस्ट फिर से केस करेगा क्योंकि इस बार तो उसके पास पक्का प्रूफ भी था। प्रूफ लेकर वो अपने प्रोसिक्यूटर के पास जाता है। वो उसे सारे रिकॉर्डिंग देता है जिसमें लोगों को पैसे देकर झूठी गवाही देने को कहा गया था। प्रोसिक्यूटर कहता है कि इस एविडेंस से वो लोग आसानी से अपील फाइल
फाइल कर सकते हैं। हेसिक फिर बताता है कि अगले दिन वो टीवी रिपोर्टर से मिलकर सब कुछ बताने वाला है। हेसिक ने जिस आदमी के अगेंस्ट केस फाइल किया था उसका नाम सॉन्ग था और वो बहुत ही बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी का ओनर था। हेसिक को और भी कई केस के बारे में पता चलता है जहाँ पर डिमोलिशन साइट्स पर आग लगा दी गई थी और उसके केस के जैसे ही विटनेस ने लास्ट मोमेंट पर अपना बयान बदल दिया था। हेसिक के जाने के बाद प्रोसिक्यूटर किसी को कॉल करता है और कहता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आ गई है। हेसिक जब घर की तरफ जा रहा था तो सॉन्ग और उसके आदमी रास्ते में उसका वेट कर रहे थे। वो लोग मिलकर उसे मार डालते हैं और ऐसा सीन क्रिएट करते हैं जैसे लगे कि उसने खुद की जान ली हो। जब यंगसुन को अपने हस्बैंड के मरने का पता चलता है तो वो पूरी तरीके से टूट जाती है। इस तरफ हम देखते हैं कि सॉन्ग ने उसी प्रोसिक्यूटर को बहुत सारे पैसे भिजवाए थे उसकी हेल्प करने के लिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि यंगसुन उसी प्रोसिक्यूटर से मिलने के लिए आती है और कहती है कि हेसिक को कोई इम्पोर्टेंट एविडेंस मिला था। वो रिपोर्टर से मिलने जाने वाला था, फिर वो सुसाइड क्यों करेगा? प्रोसिक्यूटर कहता है कि अगर उसे कोई एविडेंस मिला होता तो वो मेरे पास लेकर आता, लेकिन उसने ऐसा तो नहीं किया। वो मेरे पास आया जरूर था लेकिन उस वक्त वो बहुत ड्रंक था और कह रहा था कि वो अपनी जान लेना चाहता है। यंगसुन को भी अब यही लगने लगा था कि हेसिक ने सुसाइड किया था, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो अपने बेटे को अपनी तरह हेल्पलेस नहीं बनने देगी बल्कि वो उसे स्ट्रांग बनाएगी ताकि वो पूरी दुनिया का सामना कर सके। कुछ टाइम के बाद यंगसुन एक दूसरे गाँव में एक जगह खरीद लेती है जो काफी समय से बंद था। यंगसुन अपने साथ उसी प्रेग्नेंट पिग को लेकर जाती है जिसको पहले अलग रखा था, इस वजह से वो आग से बच गई थी। यंगसुन जब उस जगह पर पहुंचती है तो उस जगह की बहुत ही बुरी हालत थी, इसलिए वो उस जगह को एक फार्म में कन्वर्ट कर देती है और अच्छे से उसे साफ सुथरा बना देती है। वो सब कुछ अकेले ही मैनेज कर रही थी, पिग्स की देखभाल भी करती है और फार्म की कंडीशन भी एकदम सही कर देती है। कुछ समय के बाद यंगसुन अपने फार्म के लिए और भी पिग्स मंगवाती है। पिग्स को गाँव में ले जाते वक्त गाँव के लोग उनको देख लेते हैं और गाँव के लोगों को इस बात पर बहुत गुस्सा आ जाता है कि इतने सारे पिग्स तो हमारे गाँव को गंदा कर देंगे, यहाँ बीमारियां फैलने लगेगी। इसी वजह से कुछ लोग यंगसुन के फार्म में पहुंच जाते हैं उससे लड़ाई करने के लिए। वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि यहां तो बस एक प्रेग्नेंट लेडी है। ये देखकर वो अपना हथियार भी नीचे रख देते हैं। जो लोग आए थे उसमें से एक लेडी को कुछ समय पहले ही बेबी हुआ था और एक प्रेग्नेंट औरत भी थी, तो यंगसुन खुश होकर कहती है कि हमारे बच्चे सेम एज के होंगे, वो साथ में स्कूल जाएंगे और अच्छे दोस्त भी बनेंगे। यहां सब लोग यही बात करने लग जाते हैं, फिर उन्हें ध्यान आता है कि वो यहां पर आखिर में आए क्यों थे। वो सारे लोग यंगसुन से कहते हैं कि वो यहां पर पिग फार्म नहीं खोल सकती, वो लोग उसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करेंगे। गांव का चीफ उसे कहता है कि पिग फार्म खोलने से पहले उसे गांव के सारे लोगों को इन्फॉर्म करना चाहिए था। इस पर यंगसुन कहते हैं कि वही इन लोगों के अगेंस्ट केस फाइल कर देगी, क्योंकि किसी का डॉग रात भर आवाज करता है तो किसी ने गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हथिया के रखी हुई है, हर किसी ने थोड़े बहुत रूल्स तो तोड़े ही है। ये सब सुनकर वो दूसरी प्रेग्नेंट औरत उस पर हमला कर देती है और उसका बाल नोचने लग जाती है। दोनों यहाँ पर काफी लड़ाई करने लगते हैं। तभी यंगसुन को लेबर पेन शुरू हो जाता है, इसलिए सारे लोग उसे उठाकर अंदर ले जाते हैं और सारे लेडीज घर में उसकी डिलीवरी करा देते हैं। उसे एक बेटा होता है जिसका नाम वो कैंगो रखती है, क्योंकि ये नाम उसके हस्बैंड ने एक बार उसे सजेस्ट किया था। डिलीवरी के बाद जब दूसरी प्रेग्नेंट लेडी वहां से निकलने लगती है तब अचानक से उसे भी लेबर पेन होना शुरू हो जाता है, फिर वहीं पर उसकी भी डिलीवरी करा दी जाती है। उसे एक बेटी होती है जिसका नाम वो रखती है मीजू। जिस लेडी को कुछ टाइम पहले बेबी हुआ था उस बेबी का नाम था सैमसी। सब यहाँ पर बहुत खुश थे कि तीनों बच्चे बड़े होकर अच्छे दोस्त बनेंगे। सीन शिफ्ट होता है कुछ सालों बाद, यहाँ पर बच्चे थोड़े बड़े हो चुके थे। क्लास में मीजू कैंगो उसे स्कूल पिकनिक पे चलने के लिए बोलती है और कहती है कि वो उसकी मॉम से परमिशन मांगेगी। तभी सैमसिक वहाँ पर आकर कैंगो को बुली करने लग जाता है, ये बोलकर कि तुम में से तो पिग्स की स्मेल आती है। मीजू को गुस्सा आता है और वो सैमसिक से लड़ने लगती है, तो गुस्से में सैमसिक कहता है कि कैंगो के तो डैड भी नहीं है, वो एक लूजर है। ये सब सुनकर कैंगो को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो सैमसिक को मारने लगता है। फिर घर पहुंचने के बाद कैंगो की मां उसे बहुत मारती है। वो कहती है कि तुमने सैमसिक से क्यों लड़ाई की, वो जो बोलता है उसे बोलने दो, तुम किसी से मारपीट नहीं करोगे। उसकी मॉम ने उसे बहुत ही स्ट्रिक्ट वे में पाला था, उनका बस एक ही मकसद था कि कैंगो बड़ा होकर एक प्रोसिक्यूटर बनेगा। उसकी मॉम उसे कहती है कि जब बड़े होकर तुम एक प्रोसिक्यूटर बन जाओगे तो कोई भी तुम्हें बुली नहीं कर पाएगा। कैंगो जब अपना डिनर कर रहा होता है तब यंगसुन कहती है कि पेट भर के खाना मत खाओ वरना तुम्हें नींद आ जाएगी और फिर तुम पढ़ाई भी नहीं कर पाओगे। इतना सब होने के बाद कैंगो अपनी मॉम से पिकनिक के बारे में भी नहीं पूछ पाता, इसीलिए वो फॉर्म में लिख देता है कि वो नहीं जा पाएगा और रीजन में लिखता है कि बैड मॉम। सीन शिफ्ट होता है जहां हम देखते हैं कि सारे बच्चे अब बड़े हो चुके थे। इधर हम प्लेग्राउंड में सैमसिक को देखते हैं, वहीं पर हम कैंगो को भी देखते हैं जो अब हाई स्कूल में पढ़ रहा था। कैंगो हर ब्रेक के टाइम पे स्पोर्ट्स रूम में पढ़ाई करने के लिए जाता था। एक दिन सैमसिक उसको वहां जाते हुए देख लेता है
और बाहर से ताला लगा देता है। सैमसी को यह बात नहीं पता थी कि अंदर मीजू भी है। मीजू को पता था कि कैंग और रोज वहाँ पर ब्रेक में जाता है, इसलिए मीजू वहाँ पर पहले से छुपी हुई थी। उस दिन दोनों का ही बर्थडे था तो मीजू उसके लिए कोई खाने की डिश लेकर आई थी। इधर रात हो गई थी और दोनों बच्चे अभी तक घर नहीं लौटे थे, इस वजह से दोनों की मॉम उन्हें ढूंढने लग जाती है। इसलिए वो लोग सैमसिक से जाकर पूछते हैं। सैमसिक को तो लगा था कि उसने बस कैंगो को ही बंद किया है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि मीजू भी अंदर है तो वो वहाँ से भागने लग जाता है क्योंकि वो मीजू को लाइक करता था। पर मीजू तो कैंगो को पसंद करती थी और कैंगो को तो बस पढ़ाई करना पड़ता था। मीजू कैंगो से कहती है कि तुम यहाँ पर एक लड़की के साथ बंद हो और तुम्हें अभी भी बस पढ़ाई करनी है, पर कैंगो उसे इग्नोर करके पढ़ाई करने लगता है। मीजू एक कैंडी खा रही होती है जो कि अचानक से उसके गले में अटक जाता है। कैंगो पीछे से पकड़कर उसे निकालने की कोशिश करने लग जाता है, तब अचानक से बाकी के लोग आ जाते हैं। ये सब देखकर सबको तो कुछ और ही लग रहा था। ऐसे टाइम में भी यंगसुन को यही चिंता थी कि कैंगो के क्लासेस मिस हो गए होंगे। जब वो कैंगो के बुक्स उठाती है तब देखती है कि कैंगो ने मीजू का स्केच बनाया हुआ था। ऐसा लग रहा था कि कैंगो भी मीजू को पसंद करता था। अगले दिन हम देखते हैं कि कैंगो कॉलेज में अपने एग्जाम्स के लिए जा रहा था। आज तक उसने जितनी भी पढ़ाई की थी उसका आज फाइनल एग्जाम था। वहीं पर हम मीजू को भी देखते हैं जो कि कैंगो को ऑल द बेस्ट बोलने के लिए आई थी। मीजू से मिलकर जब कैंगो अंदर जा रहा था तब अचानक से एक बाइक मीजू को टक्कर मार देती है और वो वहीं पर बेहोश हो गई थी। कैंगो अपने एग्जाम्स छोड़कर उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। जब मीजू की आंखें खुलती है तब उसे पता चलता है कि कैंगो ने अपने एग्जाम्स को दिया ही नहीं। ये देखकर वो रोने लग जाती है तो कैंगो उसे किस करके कहता है कि कोई बात नहीं, मैं अगले साल अपने एग्जाम दे दूंगा। घर आने के बाद यंगसुन कैंगो पर बहुत गुस्सा होती है और कहती है कि क्या तुम उस लड़की के गार्डियन हो, तुम्हें उसे क्यों लेकर गए, उसे कोई और भी हॉस्पिटल पहुंचा सकता था, तुमने अपना एग्जाम क्यों मिस किया, उस लड़की की वजह से तुमने अपनी लाइफ को क्यों बर्बाद की। कैंगो कहता है कि मेरी लाइफ, कौन सी लाइफ, ये तो आपकी लाइफ है जो आपने मेरे ऊपर थोपी है। डैड की डेथ में मेरी कोई गलती नहीं थी। ये सुनकर यंगसुन उसे एक जोर से थप्पड़ मारती है और कहती है कि अगर तुम इस लाइफ से थक चुके हो तो प्रोसिक्यूटर बनो और यहाँ से निकल जाओ। कैंगो कहता है कि आप बस मुझे उन लोगों की तरह पावरफुल बनाना चाहती हो जिन लोगों की वजह से डैड की जान गई, तो ठीक है, मैं भी अब वैसा ही इंसान बनूंगा। नेक्स्ट दिन में हम देखते हैं कि कैंगो एक प्रोसिक्यूटर बन चुका था, उसका वहां पर एक ट्रायल चल रहा था। ट्रायल खत्म होने के बाद एक लेडी उसके पास आकर कहती है कि उसका हस्बैंड जो कि एक विटनेस था उसे उस कंपनी के लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं। वो उसे एक एविडेंस देकर कहती है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। उस लेडी के जाने के बाद कैंगो किसी को कॉल करके कहता है कि एक प्रॉब्लम आ गई है। फिर वो उस कंपनी के चेयरमैन से जाकर मिलता है जो कि और कोई नहीं बल्कि सॉन्ग था जिसने कैंगो के डैड को मारा था। और इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस।